हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनीसा ब्यूटीज़। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे पर झाइयाँ हैं, दाग है, आँखों के नीचे काले घेरे हैं, उनका चेहरा एक जैसा नहीं दिखता। ये होम रेमेडी बहुत ही आसान है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है एक पोटैटो। पोटैटो को आपको अच्छी तरीके से धोकर कद्दूकस कर लेना है और इसका जूस निकाल लेना है। इसका बस हमें जूस का प्रयोग करना है और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हमें यहाँ पर लेना है बेसन। आपको पता है बेसन हमारे फेस के लिए कितना अच्छा होता है। और यहाँ पर हमने लिया है एक चम्मच बेसन। फिर उसमें हम ऐड करेंगे आलू का जूस जो हमने यहाँ पर निकाल कर रखा है। यहाँ पर आलू का जूस भी एक चम्मच है, एक चम्मच से ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अब हमें इसमें आलू के जूस को अच्छे तरीके से मिला देना है ताकि पेस्ट तैयार हो जाए। और फिर उसमें हम ऐड करेंगे कच्चा दूध। कच्चा दूध आपको लेना है आधा चम्मच। कच्चा दूध भाई बहुत ज़रूरी है हमारे स्किन को वाइट करने के लिए। यहाँ पे हमने दूध ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें डालना है नींबू का रस। दोस्तों, सबको नींबू का रस सूट नहीं करता। जिन लोगों को नींबू का रस सूट नहीं करता वो टमाटो का जूस डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको पता है ये नींबू हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी होता है और ये हमारे स्किन को लाइट करता है, हमारे चेहरे से मैल को काट देता है। अब इस रेमेडी में हमें डालना है एक पिंच हल्दी। हल्दी आपको पता ही है हमारे स्किन को लाइट करता है, ब्राइट करता है और एक अलग सा निखार देता है हमारे स्किन को। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसे आपको अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो लेना है, फेस वॉश करके सुखा लेना है। उसके बाद आपको अपने चेहरे पे इसे फेस पैक की तरह लगाना है और फिर जब ये अच्छी तरीके से सूख जाए तो आप इसे ठंडे पानी से धो लें। आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसे वीक में 3 से 4 बार ही लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन ब्राइट होएंगे, झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक वरना डिसलाइक करें। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय।